जिस तरीके से पहले हमने बात की थी पाकिस्तानी वे की, इसी तरीके से अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल वे की। इंटरनेशनल वे पाकिस्तानी वे से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें डिफरेंस क्या आता है? यूनिट। सबसे पहले तो यूनिट का बॉक्स बनेगा। इंटरनेशनल में सबसे पहले कौन सा बॉक्स बनता है? यूनिट्स का। यूनिट के बाद बॉक्स बनेगा थाउजेंड का, और थाउजेंड के बाद बॉक्स आता है मिलियन का। अब यूनिट की बात करते हैं हम पहले बॉक्स की। जिस तरीके से पाकिस्तानी में यूनिट के बॉक्सेस थ्री थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट के बॉक्सेस कितने हैं? थ्री। इसी तरीके से यूनिट हमारे पास इंटरनेशनल में भी होगा। यूनिट टेंस हंड्रेड, यूनिट टेन हंड्रेड। नेक्स्ट बारी हमारे पास किसकी आएगी? थाउजेंड की। थाउजेंड में हमारे पास थ्री बॉक्सेस होते हैं। इंटरनेशनल में थाउजेंड के थ्री बॉक्सेस होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इसी तरीके से मिलियन, किस थाउजेंड के बाद बारी आती है मिलियन की। मिलियन के भी थ्री बॉक्सेस होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हमारे पास यूनिट, यूनिट के बॉक्सेस में यू किसको शो करता है? यूनिट को। टी टेंस एच हंड्रेड, टी एच मतलब थाउजेंड, टी टी एच मतलब टेन थाउजेंड, एच टी एच का मतलब क्या है? हंड्रेड थाउजेंड। अब मिलियन में हमारे पास एम का मतलब क्या है? मिलियन। टी एम टेन मिलियन, एच एम मतलब हंड्रेड मिलियन। हमारे पास पाकिस्तानी में लैक होता है, जबकि इंटरनेशनल में क्या होता है? थाउजेंड के बाद मिलियन। ठीक है।